बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी। उनके निधन के फौरन बाद टीवी से लेकर सोशल मीडिया पर एक शख्स सबसे ज्यादा दिखा, नाम संदीप सिंह। संदीप ने दावा किया कि वह सुशांत के सबसे पक्के दोस्तों में से हैं। संदीप अंकिता लोखंडे के साथ भी सुशांत के घर से लेकर कूपर अस्पताल और मुर्दा घर तक हर जगह नजर आए। लेकिन अब यही संदीप सिंह शक के घेरे में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, सुशांत संग उनकी दोस्ती में कितनी सच्चाई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ के हाथ संदीप सिंह की कॉल डिटेल्स लगी है। इस CDR यानी कॉल डिटेल्स रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि संदीप और सुशांत के बीच आखिरी बार 10 महीने पहले बातचीत हुई थी। सुशांत और संदीप की आखिरी बातचीत 1 सितंबर 2019 को हुई थी, यानी कि बीते 10 महीनों से सुशांत और संदीप के बीच कोई कनेक्शन नहीं था। ऐसे में सुशांत की मौत के ठीक बाद यही संदीप सिंह सबसे आगे सब कुछ में कैसे नजर आने लगे। संदीप का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह सुशांत की लाश ले जाते वक्त एम्बुलेंस और पुलिस वालों को थम्सअप दिखा रहे थे। सवाल उठना लाजमी है कि यह संदीप सिंह कौन है और अब ये अचानक क्यों सामने आ गए। इतना ही नहीं, संदीप सिंह की कॉल हिस्ट्री से यह भी पता चला है कि वह सुशांत की मौत के 1-2 दिन बाद तक मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर और सुशांत की लाश को अस्पताल ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर के संपर्क में भी थे। जाहिर तौर पर ये सारी बातें कई सारे सवाल खड़े करती हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि संदीप सिंह का दुबई से कोई ना कोई कनेक्शन है। स्वामी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा कि संदीप सिंह एक सस्पेक्ट है और उससे यह पूछा जाना चाहिए कि वह कितनी बार दुबई गया और क्यों। बीते दिनों मुंबई करनी सेना के नेता सुरजीत सिंह राठौर ने भी अपने बयान में कहा कि 15 तारीख को जब वह कूपर अस्पताल पहुंचे थे तब वहां संदीप सिंह मौजूद थे। सुरजीत का कहना है कि उन्होंने संदीप सिंह और पुलिस वालों को दुबई के बारे में बात करते हुए सुना था। यही नहीं, सुरजीत ने यह भी बताया कि उन्हें देखकर संदीप वहां घबरा गए थे और पुलिस से कहा था कि इस आदमी को यहां से दूर हटाओ। बातचीत कर रहे थे आपस में, जैसे उन्होंने कोई दुबई का नाम लिया कि दुबई से बात हुई फोन, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। दुबई मुझे बड़ी याद है, उन्होंने बोला। जैसे ही मैंने ऐसे घुमाया अपना पेस, तो संदीप सिंह को शक हो गया कि इनको ये करनी सेना से हैं और इनको कुछ पता चल गया होगा, तो उन्होंने इशारा किया ऑफिसर की तरफ, बोला इनको आउट किया जाए। ऑफिसर ने मुझे तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने बोला आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। मैंने कहा सर आपने मुझे पूछा ही नहीं। बोला आप कौन हैं? तो मैंने कहा सर मैं करनी सेना का पदाधिकारी हूँ और मुझे मेरी बात हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आपको जाना, वो नीरज सिंह जी हैं, उनके सुशांत के भाई, उनसे मेरी बात हुई है फ़ोन पे, वो आने आ रहे हैं यहाँ पे और अभी यहाँ पे आने वाले। बोले यहाँ कोई नहीं आएंगे, आप यहाँ से जाइए, वो डायरेक्ट वहाँ आएंगे शमशान घाट में। तो मैंने कहा ठीक मैं जाता हूँ, तो मैं वहाँ से चला गया। उसी दिन से मुझे संदीप सिंह के ऊपर शक हो गया था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है और ये बंदा इस साजिश में शामिल है। पूरा मॉनिटरिंग जिस प्रकार से वो कर रहा था, उसके इशारे से पुलिस काम कर रही थी, उसके इशारे से लोग काम कर रहे थे, उसके यार दोस्त काम कर रहे थे, वो इधर उधर भाग रहा था, मैनेजमेंट पूरा वो कर रहा था। तो मुझे उसके ऊपर शक हो गया था कि सुशांत के मर्डर में ये है, उसका कहीं ना कहीं हाथ है। सुशांत की मौत के बाद दुबई का कनेक्शन नया नहीं है। एक्स रॉ अधिकारी से लेकर सुब्रमण्यम स्वामी और कई दूसरे लोग यह दावा कर चुके हैं कि सुशांत की मौत का दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड के आकाओं से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। संदीप सिंह की कॉल डिटेल से कई और चौंकाने वाले बातें भी सामने आई हैं। संदीप सिंह भले ही सुशांत के संपर्क में नहीं थे, लेकिन वह कांग्रेस नेता संजय निरुपम के संपर्क में जरूर थे। दोनों के बीच कई बार बात हुई। संदीप की कॉल डिटेल से यह भी पता चला है कि वह सुशांत की बॉडी ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय बंडगार के संपर्क में भी थे। संदीप ने अक्षय को पहला कॉल 14 जून को किया था, यानी वो दिन जब सुशांत की मौत हुई, जबकि उनका अगला कॉल अक्षय को 16 जून को गया, यानी सुशांत की मौत के 2 दिन बाद। अब सवाल यही है कि जब 15 जून को सुशांत के अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई, तो आखिर 16 जून को संदीप सिंह ने एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल क्यों किया। संदीप की CDR यह भी बताती है कि उन्होंने सुशांत की मौत के अगले दिन यानी 15 जून को मुंबई पुलिस के अधिकारी से 2 बार बात की। यह वही अधिकारी हैं जिन्हें सुशांत की मौत की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर। सुशांत की फैमिली पहले ही यह कह चुकी है कि वह किसी संदीप सिंह को नहीं जानते। सुशांत ने कभी भी अपनी बातचीत में किसी संदीप नाम के दोस्त का जिक्र नहीं किया।
संदीप सिंह पर पहली बार शोर तब मचा जब उन्होंने टीवी चैनलों को दिए इंटरव्यू में कई तरह के बयान दिए। उनके बार बार बदलते बयान के कारण सोशल मीडिया पर तब खूब चर्चा हुई थी। संदीप ने किसी इंटरव्यू में यह कहा कि उन्हें सुशांत की मौत की खबर टीवी चैनल से मिली थी, जबकि किसी दूसरे इंटरव्यू में दूसरे चैनल पर यह कह दिया कि उन्हें यह दुखद समाचार उनके एक दोस्त ने फोन पर दी थी। जाहिर तौर पर तमाम सवालों, शक और संदेह के बीच संदीप सिंह अब सीबीआई की रडार पर हैं। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई जल्द ही संदीप सिंह को पूछताछ के लिए बुलाएगी। जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया है, इतना तो जरूर है कि संदीप सिंह इस पूरे मामले में बहुत नहीं तो कम से कम कुछ तो जरूर जानते हैं और वह इसे छिपा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।